नमस्कार दोस्तों, हकीन कुरे सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एवरेज। एवरेज का प्रोग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आइए सीखते हैं। तो एवरेज का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप और फॉर्मूला एवरेज का, कि किस तरह से एवरेज निकालते हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ही सबसे पहले हमको क्या करना होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेट्स करानी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर करा दिया हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, तो दोनों हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो गई हैं। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा, ठीक है। अब मेन फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और जो लोकल वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ छः, ए बी सी डी ई एफ। अब अगर मैं एवरेज का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ तो मेरे को 5 नंबर्स लेने होंगे, तो मैं थोड़ा सा अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 सब्जेक्ट्स के नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी 5 नंबर लिए हैं उन 5 नंबरों को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज पता चल जाएगा कि भाई उन सब्जेक्ट्स में आपका एवरेज क्या है। तो उसी के लिए मैंने लिखा हुआ है एंटर द फर्स्ट नंबर, या फिर एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। इस तरह से मैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ। और जो फार्मूला होगा उस फार्मूले पर हमने क्या किया है, 5 से अपॉन कर दिया है, ठीक। और जो भी उसका आउटपुट होगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और वो आपने डिस्प्ले करा दिया। तो देखिए कितना सिंपल सा एक आपका ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप आसानी से एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके लिए कंपाइल पर क्लिक करना होगा। आप ऑल्ट प्लस F9 भी कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम में हमारे कोई भी एरर नहीं है, तो अब इस प्रोग्राम को नॉर्मली रन कर देते हैं। तो रन करने पर देखते हैं प्रोग्राम रन हो, तो अब इनपुट देते हैं। सबसे पहले लिखा आ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देंगे, और इसी तरह से जो हमने यूज़र इनपुट दिए हैं सभी में मार्क्स लिख देंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे आउट ऑफ 20 दे रहा हूँ, और जैसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे तो तुरंत हमारे को हमारा प्रोग्राम एवरेज दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट्स और इसके बीच में जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके बीच में स्पेस हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, कॉलन भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो बड़ा क्लीन और ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत अच्छा। आइए देखते हैं इसको भी रन करा के, तो आ रहा है जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला था 45-50 में से मार्क्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसका एवरेज आ गया 46। तो ये था हमारा एवरेज निकालने का प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा टाइप पता होना चाहिए, किन टाइप के नंबर्स का आप एवरेज निकालने वाले हो, और उसके बाद आपको एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यानी कि सभी नंबर्स जितने भी हैं उनका एडिशन और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स से, जितने भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो, और उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और वो स्टोर्ड आउटपुट को आप प्रिंट करा देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एवरेज बनाने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे वो प्रोग्रामिंग को इजीली सीख सकें। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।